All characters appearing in this work or film are fictitious. Any resemblance to real name, person living or dead is purely coincidental. हेलो हेलो दीदी, वो अमन ना करण के घर पे आ रहा था और उसको ना कोई उठा के ले गया। क्या? एक सेकंड, तुम लोग आज कॉलेज नहीं गए? वो दीदी मेरी वजह से। अच्छा वो सब छोड़ो, ये सब हुआ कहाँ? वो जो फ्लैट वाले रोड है ना, वहीं। इधर कैसे? मेरे से ना वो कॉल पे बात कर रहा था और ना उसके हाथ में नमकीन थी, तभी ना वहाँ पे दो लड़के आ गए। पहले तो उन्होंने कैमरा तोड़ दिया और उसके बाद ना उसको नमकीन सहित उठा के ले गए। मैंने ना उसकी चिल्लाने की आवाज सुनी थी फोन पे। फिर अब आएगा मजा, देखो देखो। तुम लोग पागल हो क्या? पीकर कुछ भी बोल रहे हो। अगर आज के बाद ये किया। नहीं दीदी, मजाक नहीं कर रहे हैं। जब अमन के साथ ये सब हुआ तब सारा नशा उतर गया था। कैमरा इधर आओ। ये भी था क्या स्क्रिप्ट में? मेरा भाई, मम्मी पापा के बाद बस एक वो ही तो है मेरे साथ। मम्मी पापा को वक्त ही कितना हुआ है, मैंने क्या बिगाड़ा है किसी का? दीदी ना जाने मजबूत रिश्ते इतनी आसानी से कैसे टूट जाते हैं। मरा नहीं है वो। किडनैपर ने फोटोज भेजी हैं। क्या? ये हंस क्यों रहा है? वो ड्रग्स दिया होगा ना। आ कितना सफाई से झूठ बोलता है। स्पॉइलर था क्या? चलो पुलिस के पास चलो अभी। नहीं 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 नहीं, नहीं। वो किडनैपर्स का ना कॉल आया था, वो कह रहे 30 लाख में दे देंगे। मेरा मतलब है कि 30 लाख में अमन को दे देंगे। पर इतने पैसे हम लाएंगे कहाँ से? इससे अच्छा तो इतने पैसे अमन को भेज के भी नहीं आएंगे। बात सही है, लेकिन भाई है वो मेरा। ये स्क्रिप्ट राइटर कौन है? मैं हूँ क्या? कोई इंश्योरेंस? हाँ है। जब तक दीदी ढूंढ रही हैं, तब तक आप फ्लैशबैक एंजॉय करो। कृतिका, कृतिका। बोल ना, बहरी थोड़ी ना हूँ। कोई बात नहीं यार, जिसे जाना होता है ना वो चला जाता है यार। मर गया क्या? फिर तो पार्टी बनेगी। एक तो वो मेरे को छोड़ के चला गया, सारे पैसे भी ले गया। कौन? इसका बंदा। ओए, बंदा नहीं है, एक्स है मेरा। एक तो वो मेरे को छोड़ के चला गया और तुम सारे पार्टी भी मेरे से ले रहे हो। मेरा चकना। इधर मैं अपने गिरे हुए दिल की बात करी और इसे गिरे हुए चकने की पड़ी है। चकने की बात है। कोई बात नहीं, सही बंदा नहीं था वो, सही बंदा मैं हूँ। भंड ना, अमन है, मैं नहीं। समझा? मजाक कर रहा हूँ मेरी जान। क्या? अच्छा सॉरी 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 सॉरी। तू भी फोन में ही लगा रहे बस। अरे मेरे भी तो पैसे चले गए ना बैटिंग में। तू बॉलिंग कर लेता। एक सेकेंड एक सेकेंड, मेरे पैसे भी तो तेरे पास है। कहाँ जा रहा है बे? कितने है तेरे? 70। पचहत्तर। साला चूतिया। तेरे? मेरा 20 भाई। बीस। बीस तीस। चढ़ गई है इसको लगता है, चढ़ गई है। मेरे तो 1 लाख है। कितने? तू पागल है क्या? मुझे देते थी मैं कहां से कहां पहुंच जाता यार। पैसे
पैसे, वही बोल रहा है वो। अरे बस बस बस, 30 लाख का, 30 लाख का इंश्योरेंस है भाई पे, 30 लाख, 30 लाख। ढूंढनी कौन है? तेरे माँ बाप तो है नहीं? हाँ, ए रुकना, बताना रे कौन है? माँ बाप तो चले गए, उम्मीदें थी। बहन को कुछ बोला नहीं, कभी कुछ किया नहीं, ना उनकी याद आई ना वो याद आए। अबे भाई के लिए 30 लाख का इंश्योरेंस छोड़ के तो गए, वो भी बहन के नाम। अरे वो नीचे है, नीचे दुकान। ये बताकर मुझे सेफ फील क्यों नहीं हुआ? पी ना भाई। भाई सबको एक एक मिलेगा। क्यों, बॉटल तो मैंने मारी है ना, मुझे 10 ज्यादा चाहिए, ठीक है? अब मेरे 20 का क्या? अबे ठीक है। परेशान कर रखा है इस फोन ने तो। दिखाओ। अरे क्या हुआ? इंश्योरेंस वाला डॉक्टर के साथ आएगा। कितना टाइम लगेगा इसको? जितना टाइम लाश बनने में लगेगा। मैं नहीं कर रहा। क्या हुआ? जला हुआ है ना, देखा नहीं जाएगा। मेरा भाई। दीदी आराम से, ज्यादा जोर से ताकि बहुत। डीएनए टेस्ट के लिए इनका सैंपल चाहिए, आप रिपोर्ट देकर चेक कलेक्ट कर लेना। वहाँ पर क्या लेकर आना है? इंश्योरेंस पेपर और डेथ सर्टिफिकेट। वैसे डेथ सर्टिफिकेट के लिए डेड भी तो होना पड़ेगा ना? डेड होना पड़ेगा मतलब? मतलब अंतिम संस्कार। इतना तो जला हुआ, कितना जलाना है? सर आप पेपर्स लेकर आ जाना, मैं जल्दी करवाता हूँ, ठीक है? जी। ये अलमारी क्यों हिल रही है? लगता है मेरी बारी आ गई। दीदी दीदी मेरी गलती नहीं है, ये इन दोनों का प्लान था। अगले 5 घंटों में हम इस शहर के बाहर होंगे। आ रही हूँ। अरे बाबा आ रही हूँ ना। जी मैम, कुलदीप भैया ने एनवलप भेजा है, यहाँ साइन कर दीजिए। थैंक यू। फाइनली काम हो गया। अच्छा ये रोमांस वोमांस छोड़ो, जल्दी से पैकिंग करते हैं इससे पहले कि अमन के दोस्त यहाँ आ जाएं। ये अननोन नंबर किसका होगा? रुको मैं देखता हूँ। हेलो सर जी। हेलो। इंश्योरेंस और मेडिकल सेटल करवाने का कट कब दोगे मुझे? तुम्हें तुम्हारा कट मिल जाएगा, और आगे से हम लोगों को कॉल मत करना और किसी के कॉन्टेक्ट में मत रहना। अरे सर आप टेंशन ना लो, आज के बाद ये फोन चलेगा ही नहीं। वेरी गुड। किसका फोन था? अरे इंश्योरेंस वाले का और डॉक्टर का कट देना है। अरे हाँ, मैं तो डरी गई थी कहीं अमन के दोस्तों को इस बारे में पता ना चल गया हो। अरे बेब इस जन्म का तो पता नहीं, अगले जन्म का बाद में देखेंगे ना।